हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर शो खुशबू वाणी, और मैं हूं आपके दोस्त खुशबू। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हम दुखी क्यों होते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है? ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने लाइफ में कभी दुखी ना हुआ हो। हमारी लाइफ ही ऐसी है कि कभी हम परेशान होते हैं, कभी हम खुश होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इसका कारण सोचने की कोशिश की? क्या हम खुद की वजह से परेशान होते हैं या दूसरों की वजह से? अगर आपने नहीं सोचा तो आज ही एक बार सोच के देखिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताती हूँ। हम कभी भी खुद की वजह से परेशान नहीं होते, हम दूसरों की वजह से परेशान होते हैं। कभी हमारी जॉब की वजह से, सोसाइटी की वजह से, फ्रेंड्स फैमिली, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। हम कभी खुद की वजह से, आपने किसी को नहीं कहते हुए सुना होगा कि मैं खुद की वजह से परेशान हूँ। हमेशा उसके पास 100 कारण होंगे जिनसे वो कह सकेगा कि मैं परेशान हूँ। तो हमें यही पता करना है कि अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें जिनसे हम परेशान ना हों और हमेशा खुश रहें। मैंने अभी बोला कि हम दूसरों की वजह से दुखी रहते हैं, उसका मतलब ये कि हम रिलेशंस और पोजीशंस की वजह से अपनी लाइफ में हमेशा परेशान रहते हैं। तो हमें यहीं पे चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बार हम ये सोचते हैं कि मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मैं इतनी अच्छी जॉब पोजिशन पर हूँ, या फिर मेरी सोसाइटी में इतनी रेपुटेशन है, अगर वो ख़राब हो गई तो क्या होगा। इस तरह के कई सवाल हमारे माइंड में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें बंद करनी है वो है थिंकिंग। थिंकिंग ही हमारी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट है, ओवर थिंकिंग, जिनकी वजह से हम लाइफ में परेशान होते हैं। एक बात सोच के देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी लव्ड वन की वजह से या किसी भी फैमिली मेम्बर की वजह से परेशान होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उन्हें बदल देंगे। अगर आप अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड वाइफ किसी से परेशान हैं, तो आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं कि ये ख़राब है तो मैं दूसरा ले आता हूँ, ऐसा नहीं होता। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इंस्टीड ऑफ थिंकिंग कि इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, सोच सोच के आप क्या करेंगे, खुद दुखी होंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जिन कारणों से हम परेशान हो रहे हैं, जिन बाहरी चीज़ों की वजह से हम परेशान हैं, वो हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी इम्पॉर्टेंस, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से लोगों को इम्पॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। हर चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमेशा अगर आपको लाइफ में खुश रहना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सिर्फ उन चीज़ों की चिंता कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जिनकी वजह से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है लाइफ में। आपको बस एक छोटी सी चीज़ करनी है कि आपको सोचना बंद करना है। आपको हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।